واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين آج پاکستان میں 21 رجب ہے اور 2 فروری ہم یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقبول بندے کا عرس شریف منا رہے ہیں مجدد مسلک اہل سنت محسن ملک و ملت عاشق رسول محب صحابہ و آل بتول محبوب اولیاء خطیب اعظم حضرت الحاج علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا 41واں سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مرکزی اجتماع یہاں جامع مسجد گلزار حبیب میں ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں سنی مساجد میں مراکز میں مدارس میں اور اجتماعی انفرادی طور پر عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے لوگ اہتمام کر رہے ہیں اللہ والوں کی یاد منانا ان کا ذکر کرنا ان کو خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہم اہل سنت کا شعار ہے طریقہ ہے 2 رمضان المبارک حضرت والد صاحب قبلہ کا یوم ولادت 1348 ہجری اور 21 رجب المرجب چودہ سو چار ہجری ان کا یوم وصال اس سال اسے اتفاق کہیے کہ آج 2 فروری ہے انگریزی کیلنڈر کے مطابق والد صاحب کا یوم ولادت پیدائش کا دن ہے اور چاند کے حساب سے آج ان کے وصال کا دن ہے
ये दोनों तारीखें आज के दिन में जमा हो गईं। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने 55 बरस की उम्र पाई, मगर सदियों के काम किए और तने तन्हा किए। खेमकरण से लेकर उकाड़ा तक, उकाड़ा से कराची और फिर सारी दुनिया में उनकी आवाज़ पहुंची और आज भी गूंज रही है। उन्होंने अपने मशाइख, अपने बुज़ुर्गों से दुआएं ली। शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वालिद साहब की विलादत से पहले ही मेरे दादा जान को ये खुशखबरी सुनाई थी कि नूर की नहरें चलेंगी। दादा जान का नाम करमे इलाही था कि करमे इलाही की नहरें चलेंगी। दुनिया ने देखा, अल्लाह की अता हो तो मकबूलियत भी मिलती है, मकबूलियत भी इज्जत के साथ। शोहरत हासिल करना आजकल बहुत आसान हो गया है, मीडिया है, टेलीविज़न था, रेडियो, और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सी आसान सूरतें। एक आदमी मीडिया पे आ जाए, पहचाना जाता है। वाले साहब क़िबला ने जब सफ़र शुरू किया था, ये मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रेडियो था, वो भी किसी हद तक, लेकिन उनकी मेहनतें थीं कि उन्हें पूरे मुल्क में बच्चा बच्चा पहचानता था। उन्होंने दीने मतीन के लिए, दीने हक के लिए, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात के लिए अल्लाह ताला की अता से वो खिदमात अंजाम दी कि लाखों नहीं करोड़ों उनसे वाबस्ता हुए, फैज़याब हुए। कितने लोग मुसलमान हुए और कितने लोगों के अकीदों की, आमाल की इस्लाह हुई। वो नेकियों का ज़खीरा जमा करते रहे, सदक़ाते जारिया के काम करते रहे। मुल्क भर में, बैरून मुल्क कितनी मस्जिदें, मदरसे उनकी वजह से कायम हुए, उनकी सरपरस्ती में चले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह ने बहुत नवाजा। उनके वक्त में भी उनको बहुत शोहरत इज्जत मिली और आज 41 साल के बाद भी दुनिया मोहब्बत और इज्जत से उन्हें याद करती है। उन्हें दो मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, उन पर कातिलाना हमले हुए, उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी जूतियों में ब्लेड रखे गए, उन्हें ज़ख्म लगाए गए, मगर वो अल्लाह ताला की अता से हर तरह हमादम हर वक्त अपने उस मिशन से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटे, बल्कि जहां कहीं चैलेंज किया गया वहां ज़रूर गए। अल्लाह ने उनको ये सआदत बख्शी थी, सूरत के भी हसीन थे, सीरत के भी हसीन थे, किरदार भी उम्दा था। उन्होंने खिताबत के हवाले से और तहरीर के हवाले से जिस मैदान में भी देखें,
उन्होंने यादगारें कायम की। ये मस्जिद भी पहली ईंट से यहाँ तक उनकी बेहतरीन यादगार है। अपनी कब्र की जगह वो खुद बना गए थे और आज भी वो यहाँ आराम फरमा हैं। और उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा दुरूद व सलाम को सुनने से शुरू हुई थी। उनके कान में अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ा गया था। और आज ये बात भी आपको हज़ार मर्तबा बताई कि जब उनका आखिरी वक्त था उस वक्त भी उनकी ज़बान पर दुरूद व सलाम जारी था। दुरूद व सलाम से इब्तिदा और दुरूद व सलाम पर ही अंजाम, ये अल्लाह ताला की आता। मैंने कई मर्तबा आपको वाक़यात सुनाता रहता हूँ। मुझे भी उनकी आप एक ज़िंदा करामत समझ लें। जो ये खिदमत कर रहा हूँ ये उन्हीं का फैज़ान, अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सआदतें अता फरमाई थी। उनके बाद बहुत से काम करने थे मुझसे। उन्होंने तीन वादे लिए थे, उसमें से एक वादा इस मस्जिद को मुकम्मल करने का था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उनकी किताबों के अंग्रेज़ी तराजम किए ताकि वो दुनिया जो उर्दू नहीं पढ़ सकती उसको अंग्रेज़ी में उनकी किताबें पहुँचें। उनकी शाहकार किताब जिसको इंग्लिश में मास्टरपीस कहते हैं, ज़िक्र जमील, ये वो किताब जो पढ़ ले वो मेरे नबी का आशिक बन जाता है। सर से पांव तक नबी पाक का हेलिया शरीफ उसमें बयान हुआ। फिर शामे करबला, करबला के मौजू पर उर्दू में बेहतरीन किताब, अब वो भी अंग्रेज़ी में तर्जमा होकर शाया हो चुकी। अभी दो दिन पहले उर्दू के बहुत से मजामीन अंग्रेज़ी में तर्जमा हुए, वो भी फेसबुक पर चढ़ा दी गई। वो भी तकरीबन 200 सफ़े की किताब अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के लिए। उर्दू में उनकी लिखी हुई नमाज की किताब दुनिया भर में वो किताब है जो करोड़ों में छपी है। यानी मैं ये कहूँ कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा छपी है तो ये गलत नहीं होगा। आज भी लोग मदरसों में जगह पे पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है। ये उनके सदकाते जारिया के काम हैं जिनका फैज़ उनको मिल रहा है। और ये कि उनको सुनकर कितने खतीब बन गए, कितने लोग दीन के कारकुन बन गए, खादिम बन गए, माशाल्लाह। और ये सिलसिला जारी है। इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग उनको इतना नहीं सुनते होंगे जितना हम उनकी कैसेटें सुनते हैं। और अब इंटरनेट पर भी जब भी उनके खिताब वगैरह शामिल किए जाते हैं लोग सुनते हैं। भाई हामिद रब्बानी साहब ने बड़ी मेहनत की इस सिलसिले में, वालिद साहब की 4000 कैसेटें जमा की मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, उनको लोगों तक पहुँचाने का अहतमाम किया। अभी भी काम जारी है और हम ये समझते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो सका, हालांकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और अपनी शान के मुताबिक उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैंने ये ईसाले सवाब के लिए ये सिलसिला किया यौम ख़तीब आज़म का। अल्लाह का शुक्र मेरी कोशिशों को अल्लाह ने शर्फ़ कबूलियत बख्शा। तकरीबन 50 मुल्कों में
उनको आज भी ईसाले सवाब किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, वो आज भी नेकियां कमा रहे हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत है। वो लोग जिन्होंने उनको देखा है वो भूल नहीं पाए, जो नहीं देख सके वो आज भी सुनते हैं और रश्क करते हैं कि काश हमें मौका मिलता तो हम भी उनकी ज़ियारत करते। ये मिंबर उन्हीं की यादगार है, इसी पर उन्होंने आखिरी जुम्मा 20 अप्रैल 1984 को आखिरी जुम्मा इसी मिंबर पर खिताब किया था और उसके बाद वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मैं ये बातें सुनाता रहता हूँ, बोला मैं ये बातें सुनाता रहता हूँ आपको। मैं अमेरिका के एक दूर दराज के इलाके में गया, मुझे बताया गया कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों की टोटल तादाद 25 है। उस वक्त जब मैं गया था कि 4-5 घराने हैं, टोटल तादाद 25 मुसलमान हैं। मुझे एक चीज़ की तलब थी, मुझे एक बहुत बड़े स्टोर में ले गए। उस ज़माने में ये वीडियो फिल्में और वीडियो गाने और कैसेटें बहुत चलती थीं। वो बहुत बड़ा स्टोर था, अंग्रेज़ी फिल्में, इंडिया की फिल्में, उनके पोस्टर लगे हुए। मैं जब वहाँ गया तो वो गैर मुस्लिम थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके पास मुसलमानों की कोई चीज़ है? उसने कहा, है। मैंने कहा, मुझे दिखाएं। वो 2 कैसेटें लेकर आया। इतनी बड़ी दुकान जिसमें हज़ारों फिल्में वगैरह, उर्दू बोलनी भी उनको नहीं आती थी। वो 2 कैसेटें लाया, एक कुरान शरीफ की कैसेट थी क़ारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में, दूसरी कैसेट मेरे वाले साहब की करबला की तकरीर थी। मेरी आँखों में आंसू आ गए। ये कुदरत देखें, कहाँ कहाँ आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत जल्द बुला लिया, रब के अपने फैसले हैं। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? वो ये कि जो सबक वो पढ़ा गए हम याद रखें। उन्होंने क्या सिखाया कि सामान जाता है जाए, दुकान जाती है जाए, मकान जाता है जाए, ख़ानदान जाता है जाए, यहाँ तक कि जान जाती है जाए, ईमान न जाए। ईमान पर साबित कदमी, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तौफीक दे तो हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, सही अकीदों पर कायम रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास तौर पर हमारे ईमान पर हमले हो रहे हैं, गैरों की साजिशें हैं। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, नबी का ताल्लुक इन लोगों से ख़त्म कर दो। और हमने ये साबित करना है कि ये ताल्लुक ख़त्म नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ ख़त्म हो सकता है। ये हमारा पैगाम। दूसरी बात ये कि हम आज बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं। हमारे अंदर वो इत्तेहाद नहीं रहा, वो जज्बा, वो खुलूस, वो सच्चाई, वो दब रही है, उसको ज़िंदा करो। अपनी औरतों बच्चों को अकीदे याद कराओ, उन्हें उलमा से मदारिस से वाबस्ता रखें, और मीडिया की शरारतों से बचाने के लिए बच्चों को टाइम दें, मेहनत करें, सही अकीदे याद कराएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। इस वक्त इस मुल्क पर सारी दुनिया की यलगार है
कि यहाँ इतना इस्लाम क्यों है, यहाँ के लोगों को नबी से बहुत मोहब्बत क्यों है। ख़त्म नबूवत पे हमला करते हैं, कभी नामूसे रिसालत पे हमला करते हैं, कभी क़ुरान के हवाले से, कभी सहाबा और अहले बैत के हवाले से। ये साजिशें हैं, हमने इनमें से किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देना और नबी से अपने ताल्लुक को टूटने नहीं देना। ये पैगाम है, इसे याद रखना है। अल्लाह हमें तौफीक दे। हर साल बुज़ुर्ग उलमा मशाइख मेहमान तशरीफ़ लाते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम शेखुल क़ुरान हज़रत मौलाना ग़ुलाम अली साहब उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे हर साल आते थे। जुम्मा के मौके पर उनका ख़िताब होता था। उनके विसाल के बाद फिर मैंने कोशिश की हर साल उर्स पर किसी नए आलिम को मुतारिफ़ कराऊं ताकि कराची वाले उनसे फैज़याब हों। इस हवाले से 25-30 उलमा का इंतखाब किया, हर साल बुलाया। इस उर्स के लिए कोई चंदा भी नहीं करता, ख़ुद अपनी जेब से ख़र्च करता हूं। कोई मोहब्बत से अगर हिस्सा डाले तो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। तो कोशिश की, लेकिन कुछ बरसों से मेरे भाई मेरे मोहतरम ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब हाफिज़ आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़र्जंद तशरीफ़ लाते हैं। आप उन्हें मोहब्बत से सुनते हैं। रात भी उन्होंने ख़िताब किया, अब भी वो ख़िताब करेंगे। वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, वज़ू कर रहे हैं, तशरीफ़ लाएंगे तो उनका आप ख़िताब सुनेंगे। इसके अलावा दीगर मुकर्ररीन भी आते हैं उर्स की रिपोर्ट। मैं हर साल उर्स पर रिसाला भी छापता हूँ, पूरे साल के लिए वो रिकॉर्ड बनेगा, कल को हवाला बनेगा, आपको वो मुफ्त फराहम किया जाता है। बहुत से नौजवान काम करते हैं, इश्तिहार लगाने का काम, पैगाम पहुंचाने का काम, और ये जब रिसाला छप के आता है उसका एक एक वर्क चेक किया जाता है, दुनिया भर में भेजा जाता है, रबते किए जाते हैं, फिर ये सारे आपके लिए इंतज़ाम होते हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं इस हवाले से एक एक फ़र्द का नाम तो नहीं ले रहा, मगर हर वो शख्स जिसने काविश की, कोशिश की, खिदमत की, किसी तरह उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनके लिए दुआ भी करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि रात का इज्तिमा इतना हो कि जगह कम पड़ जाए, मगर लोगों के अपने अपने मसाइल, सुबह ड्यूटी पे जाना, छुट्टी की रात नहीं होती। मेरे तकरीर के जलसे में बहुत आ जाते हैं, उर्स पे बुलाऊं तो कम आते हैं, लेकिन फिर भी जितने लोग तशरीफ़ लाए अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इंशाल्लाह अभी आप उनको सुनेंगे। आज ये जुम्मा की नमाज के बाद अगर कोई ज़रूरी हुआ मुख्तसर ख़िताब, उसके बाद ख़त्म शरीफ़ पढ़ा जाएगा। ख़त्म शरीफ के बाद दुआ, फिर सलाम और फिर लंगर होगा। आप में से किसी ने कोई कलाम ईसाले सवाब के लिए पढ़ा हो तो मुझे फौरन भिजवा दें, क्योंकि आप देर से भिजवाएंगे तो मुझे टोटल करने में दुश्वारी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो लोग ईसाले सवाब के लिए कुछ लेकर आए हैं वो फौरन पहुंचा दें। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आप बड़ी तवज्जो से मोहब्बत से ख़िताब सुनना। जिस किसी के पास टेलीफोन है फौरन साइलेंट कर ले, किसी की घंटी ना बजे, बड़ी मेहरबानी होगी। मस्जिद में जब भी आया करो फ़ोन साइलेंट किया करो। तो फ़ोन साइलेंट कर लें, बड़े जोश जज्बे से मोहब्बत से इनका ख़िताब सुने। बाकी ऐलान इंशाल्लाह बाद में। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني لك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر غم نوركم خذ يدي ساهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله تمام ہے باپ بڑے واضح بلند الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا امام الانبياء والمرسلين حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا خالق و مالک ہے واجب الوجود اور موصوف بذات ہے ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے اجداد پاک ازواج مطہرات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سے بے حد درود و سلام علی مرتبت برادران اسلام
بالخصوص جگرگوشہ خطیب اعظم قائد اہل سنت واجب التعظیم اور جن کی خدمات دینی اور ملی تحریری اور لسانی پوری دنیا میں عیاں ہیں اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین جانشین خطیب اعظم ہونے کا حق ادا فرما دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی صاحب زیدہ مجدہو آپ کا سایہ تا دیر با صحت امت مصطفیٰ پہ، اپنے مریدین پہ، محبین پہ، خاندان پہ اللہ سلامت فرمائے۔ میرے یہ بزرگ بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے مہربان بھی ہیں، اللہ پاک ان کو اور عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ آج عظیم و شان دن کے موقع پہ خطیب اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا یوم منایا جا رہا ہے، اسی عرص پاک کی دوسری نشست میں میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں اور بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضور خطیب اعظم کے درجات کو اور بلند فرمائے، آپ کے فیض کو قیامت تک میرا اللہ جاری و ساری فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے قرآن کریم سے سورہ بقرہ سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ وحدہ لا شریک رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ برادران عزیز، یہ عرص پاک کی محفل ہے، یوم خطیب اعظم ہے، تو ہم جو عمل کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، وہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کے صدقے قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہوتا ہے، ہمارے پاس دلیل مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے۔ جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ عرصِ پاک ہے۔ تو ہر یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، لوگ جو ہیں اس کو حرام سمجھے، بدعت سمجھے، شرک سمجھے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں، ہم عرس کی محافل کیوں کرتے ہیں، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم ایصال ثواب کی محفلیں کیوں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہر عمل جو بھی کیا جائے اس کی بنیادی طور پہ دو حیثیتیں ہیں۔ کتنی؟ دو، یا وہ اچھا عمل ہوگا یا وہ برا عمل ہوگا۔ اگر وہ عمل اچھا ہوگا تو اس کی بھی شرعی حیثیت ہے، اگر وہ عمل ناپسندیدہ اور برا ہوگا تو اس کی بھی شرعی حیثیت کا قیم کیا جائے گا۔ اگر عمل اچھا ہے، وہ عامل صالحات میں ہے، تو اس کی حیثیت وہ فرض ہو سکتا ہے، وہ واجب ہو سکتا ہے، وہ مستحب ہو سکتا ہے، وہ مباح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عمل ناپسندیدہ یا برا ہوگا تو اس کی شرعی حیثیت ہے، وہ حرام ہو سکتا ہے، وہ مکروہ ہو سکتا ہے، وہ مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی سب کی عمل کیسا بھی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ضرور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرو۔ اب نماز ایک عمل ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ آپ ایک بالغ مسلمان ہو تو نماز فرض ہے، قرآن نے کہہ دیا فرض ہے، یہ نیک عمل ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے زکاة ادا کرو، صاحب نصاب پہ زکاة فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے۔ تو یہ جتنے اعمال ہیں، کوئی فرض ہوگا، کوئی واجب ہوگا، کوئی مستحب ہوگا، کوئی مباح ہوگا،
इसी तरह कोई हराम होगा, मकरूह होगा, तंजीही होगा, तहरीमी होगा, तो हमारे नजदीक नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने मोमिनों पे रोजे फर्ज किए हैं, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, मगर याद रखे हम जो अमल करते हैं जिसको हम उर्स कहते हैं, हम इसको फर्ज नहीं समझते, हम इसको फर्ज नहीं समझते, ना ये वाजिब समझते हैं ना ये फर्ज। हमारे नजदीक अगर कोई पूछे कि आप हर साल उर्स पाक मनाते हैं, उर्स खतीब आज़म जो है हर साल आप इनकार करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, इसकी शरी हैसियत क्या है? लोगों ने इसको माज़ल्लाह हराम कहा, लोगों ने इसको जो है वो शिरक कहा, लोगों ने इसको बिदअत कहा। हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हम उर्स की महाफल को फर्ज वाजिब नहीं समझते, हमारे नजदीक उस मनाना मुस्तहब अमल है। क्या कौन सा अमल है? अगर कोई पूछे कि उर्स की शरी हैसियत क्या है तो क्या जवाब देंगे? मुस्तहब अमल है। और याद रखें मुस्तहब अमल की उलमा ने तारीफ ये फरमाई है, ऐसा अमल जो करे तो मेरा रब अपने फजल से अजर व सवाब अता फरमाता है, और अगर कोई ना करे तो ना करने की वजह से बंदा गुनाहगार भी नहीं होता। बात समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो मैं अगली बात करता हूं। उर्स क्या है? मुस्तहब। और मुस्तहब अमल क्या होता है? जिससे अल्लाह अपने फजल से अजर देता है, सवाब अता करता है, लेकिन इनकाद ना करे, शामिल ना हो तो गुनाहगार नहीं होता। ये है इसकी शरी हैसियत। अब याद रखें हम अल्हम्दुलिल्लाह रात को भी यहां थे, हजारों का इज्तिमा था, अभी भी माशाल्लाह हाल में है, अभी लोग आ भी रहे हैं। अब ये अमल मुस्तहब है, उर्स पाक की महाफिल हुई है, जरूरी नहीं कि पूरा कराची शामिल हो, ऐसा है कि नहीं? ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि दूसरे कॉलोनी से, दूसरे मोहल्ले से, दूसरी तरफ से यहां लोग उर्स में शरीक हों, मगर मस्जिद के बिल्कुल हमसाए में हो और वो ना आया, ऐसा मुमकिन है? हजारों लोग ऐसे हैं जो सारे शामिल नहीं हुए। अब जो शामिल हुए वो अल्लाह के फजल से अल्लाह के वली के दरबार पे आए, अल्लाह रसूल का जिक्र सुना, उनकी दीनी कौमी मिल्ली खिदमात को सराहा, उनको खराज तहसीन पेश किया, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के रसूल का जिक्र करें, तो इस जिक्र की बरकत से अल्लाह ने अपने फजल से अजर व सवाब अता फरमा दिया। तो जो नहीं आया वो अजर से महरूम रहा, वो सवाब से महरूम रहा, मगर गुनाहगार नहीं हुआ, वो गुनाहगार नहीं। अब यहां पे मस्जिद में अजान होती है, हैया सलाह। अब जो नमाज नहीं पढ़ेगा, बगैर वजह के नमाज कजा कर डाले, नमाज अदा न करे, तो वो शख्स अगर वक्त मुकर्रा में नमाज अदा नहीं करता तो वो कौन है? गुनाहगार है, क्योंकि हुक्म है नमाज अदा करो, नहीं की तो वो गुनाहगार है। अजान हो नमाज ना पढ़े तो वक्त गुजर जाए तो गुनाहगार है, मगर इश्तिहार छप गए, ऐलान होते रहे, अगर कोई उर्स में नहीं आया तो अजर से महरूम रहा, गुनाहगार नहीं हुआ। ये है उर्स की शरी हैसियत, ये है उर्स की शरी हैसियत। अब अगली बात को जरा बड़ी तवज्जो से समझिएगा और सुनिएगा, मैं फिर एक दफा कह देता हूं, रिपीट कर देता हूं, उर्स मुस्तहब है, मनाएं तो सवाब है, ना मनाएं तो गुनाहगार नहीं है, मगर नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है, हज ना करे तो गुनाहगार है, जकात ना दे तो गुनाहगार है, रोजा ना रखे तो गुनाहगार है, उर्स ना मनाए तो गुनाहगार नहीं है। मगर जो मैं अर्ज करने लगा हूं, जब किसी अमल के ना करने की वजह बदल जाए तो शरीयत में हुक्म बदल जाता है। बात समझे कि नहीं? किसी अमल के, बड़ी तवज्जो से समझिएगा, किसी अमल के ना करने की जब वजह बदल जाए, वजह मुख्तलिफ हो, तो हुक्म बदल जाएगा। मैं उसकी मिसाल आपको अर्ज कर देता हूं।
अजान होती है और नमाज की तरफ, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, दो शख्स मस्जिद जब मरकज़ अहले सुन्नत दरबारे खातिब आजम के सामने, इस मस्जिद गुलजारे हबीब के सामने खड़े हैं, दोनों नमाज नहीं पढ़ते। एक से पूछा भी तुमने क्यों नहीं पढ़ी, तो वो कहे जी शाजी सुस्ती हो गई, मैं मेरा ध्यान नहीं आया, मैंने वैसे ही ऐसे अपनी तबीयत की सुस्ती की वजह से नमाज नहीं पढ़ी। तो वो कौन है? बोलिए गुनाहगार है। दूसरे से पूछो भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ी, वो कहता है मैं इसको पढ़ने को जायज समझता ही नहीं, मैं इसको जो है जायज नहीं समझता, पढ़नी चाहिए ही नहीं, मैं इसका इनकार करता हूं। अब नमाज ना पढ़ने में दोनों बराबर है, नमाज दोनों ने नहीं पढ़ी, मगर दोनों के ना पढ़ने की वजह मुख्तलिफ है, शरीयत में हुक्म मुख्तलिफ है। एक जिसने सुस्ती की है वो कौन है, और जो इनकार करे वो काफिर है। ना पढ़ने में दोनों बराबर है, मगर दोनों की वजह का फर्क है। जब वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाता है। नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है, इनकार करे तो काफिर है। इसी तरह रोजा ना रखे तो गुनाहगार है, इनकार करे तो काफिर है। हज ना करे तो गुनाहगार है, इनकार करे तो काफिर। क्योंकि वजह मुख्तलिफ हो तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। मैं इसकी मिसाल कुरान करीम से भी अर्ज कर देता हूँ। मेरे रब्बे जलाल ने हुक्म दिया मलाइका को कि मैं अपने बंदे आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मैं आदम को बनाऊं या ना बनाऊं। तो तमाम मलाइका ने जो है वो अर्ज किया या रब्बुल आलमीन ना बनाना। क्या कहा? ना बनाना। तमाम मलाइका बिल इत्तेफाक सबसे अल्लाह ने पूछा ना बताओ कि मैं आदम को बनाना चाहता हूँ, तख्लीक करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि बनाऊं या ना बनाऊं। तो तमाम ने कहा या अल्लाह ना बनाना। मैं इतनी यहां जरूर अर्ज करूंगा, वो अल्लाह है, वो रब है, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, उसको यकीनी हर बात को जानता है, जो हो चुका उसको भी, जो हो रहा है उसको, जो आगे होगा उसको भी जानता है। मगर अल्लाह ने खालिक होके, हकीम होके, फरिश्तों से पूछा, हम बंदे होके मशवरा नहीं करते। हमें भी तो ये सोचना चाहिए कि मशवरा कर लेना चाहिए। अब अल्लाह ने फरमाया बनाऊं, तो सबने क्या कहा? ना बनाना। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया क्यों ना बनाओ? फिर अल्लाह ने दूसरा सवाल किया, तुमने कहा ना बनाओ, क्यों ना बनाओ? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं उसका कुरान करीम में जिक्र, मैं आया करीमा पढ़ देता हूं। जब मेरे रब्बे जलाल खाल के जो समा माल के माल के जो समा ने अपने मलाइका से हुक्म फरमाया जो तू बनाएगा ना, ये लड़ेंगे, ये झगड़े करेंगे, ये झंडे लगाने पे बंदे मार देंगे, ये भत्ता लेने जाएंगे, ये जो है हेड मनी मुकर्रर करेंगे, फसाद बर्बाद करेंगे, कराची को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। या अल्लाह ना बनाना, क्यों ना बनाया? तो ये फसादी है, कौन क्यों ना बनाऊं? ये जवाब दीजिए, क्यों? अल्लाह ने फरमाया बनाऊं, सब ने कहा ना बनाना, क्यों नहीं? हजरत अल्लाह मौला मुनशिर गुरमानी साहब हमारे दोस्त हैं, तशरीफ लाए। इनका जुमा आज मैंने छुड़ा, कहते थे मैं आखिर में दुआ में शामिल होगा। मैंने कहा नहीं जनाब, आप पूरे उर्स में आप पाक में शामिल।
तो सामीन जी कह रहा है तवज्जो, या अल्लाह अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बनाऊं, तो सब ने कहा ना बनाना, क्यों नहीं बनाना, ये उच्ची बोलो यार, ये फसादी हैं। तो रब ने फिर बनाया कि नहीं, अल्लाह ने बनाया, फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं अल्लाह जानता हूं ना तुम नहीं जानते, तुम बात ये नहीं अल्लाह ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी बात गलत है, नहीं फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, बात तुमने भी सही कही, तुमने इन सियासतदानों को देखा, तुमने कहा या अल्लाह ये फसादी होंगे, तुमने राफियों खाजियों और नासबियों को देखा ये फसादी होंगे, अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम फसादियों को देखते हो, तुमने फसादी देख के कहा ना बनाना, मैं मिलादी देख के कहता हूँ बनने दो, जो मिलादी होता है वो फसादी नहीं होता, जो फसादी होता है वो मिलादी नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया तुमने फसादियों को देखा, मिलादियों को तो देखा ही नहीं, तुम्हारा इल्म अधूरा है, इन्नी आलम मा ला तालम, जो मैं जानता हूं तुम मैं, तुमने नमरूद को देखा कि ये फसादी है, तुमने कहा या अल्लाह ना बने, बहुत जालिम है, ये झूठी खुदाई का दावा करेगा, रब ने कहा इन्नी आलम मा ला तालम, तुमने फिरौन को देखा कि या अल्लाह ये फसादी है, ये जालिम है, जाबिर है, रब ने कहा तुम्हें नहीं पता, तुमने हमान को देखा, शद्दाद को देखा, तुमने अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीदो, उमैया को देखा, तुमने यजीद को देखा, तुमने कहा या अल्लाह ना बना, ये फसादी है, जमीन में फसाद करेंगे, फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं अल्लाह जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं अल्लाह जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ, फरमाया जो मैं अल्लाह जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुमने नमरूद को देखा कहा ये फसादी है, अभी तुम्हारी नजर मेरे इब्राहिम पे पड़ी नहीं है, तुमने फिरौन को देखा, तुमने मूसा को नहीं देखा, तुमने जो है अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया को देखा, तुमने मेरा अबू बकर को देखा ही नहीं है, तुमने मेरा उमर पे तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ी, तुमने तुम्हारा इलम अधूरा है, तुमने मेरे उस्मान को नहीं देखा, तुमने मेरे हैरे करार को नहीं देखा, तुमने मेरे और मैं तुम फसादियों को देखते हो, मैं मिलादियों को देखता हूँ, तुम यजीदियों को देखते हो, मैं हुसैनियों को देखता हूँ, तुमने अबू जहल, अबू लहब को देखा, मैंने अबू बकर और उमर को देखा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं अल्लाह जानता हूँ तुम, अल्लाह ने कोई फतवा फरिश्तों पे नहीं लगाया, पर मैं बस ठीक है, तुहानू पता ही नहीं किसे गल दे, ये नहीं आख्या ना, अब तुहानू नहीं पता है, सारियां गल्लां दा नहीं पता, तुसी चुप करो, अल्लाह ने बनाया बनाया ना, अच्छा जब बन गए आदम अलैहि सलाम, फिर मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, रब्बे जुलजलाल ने फरमाया इज कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लियादम फसजदु इल्ला इब्लीस, अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को बनाया, फिर रब्बे जुलजलाल ने फरमाया सारे मलाइका मेरे आदम अलैहि सलाम को सजदा करो, तमाम ने सजदा किया, हामली ने, अर्श ने भी किया, जबरीलो मेकाइल ने भी किया, सारी कायनात के तमाम मलाइका ने सजदा किया, कुरान कहता है इल्ला इब्लीस एक ही था उस वक्त फसादी, कितने एक, ये हर जमात में एक, जिन पंजाबी चाहते ना चवल, चवल, चवल।
पूरी जमात च इको ही चवल होंगी तो वक्त पूरी जमात नूं पा छड़ दी। इसे तरह घर के अंदर भी होंदिया ने, महल्या च भी होंदिया ने, मगर वक्त पाया होंदा है अल्लाह सानूं चवलां तों भी बचाए। रब ने फरमाया सजदा करो, एक ने नहीं किया। रब ने फरमाया क्यों नहीं किया? उसने जवाब दिया अना खैरु मिनहु, मैं इससे बेहतर। अच्छा, पहले मलाइका ने क्या कहा था? या अल्लाह ना बनाना। तो रब ने कोई फतवा लगाया? सिर्फ उनका इलम बताया कि तुम्हें सारा इलम नहीं है। कोई फतवा नहीं अल्लाह ने दिया। इसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, तो रब ने क्या कहा? वकाना मिनल काफिरी, तुम काफिरों में से एक हो। अब याद रखना, वहां सब ने कहा ना बनाना, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। इधर एक था, कल्ला वेख कर रब ने रगड़ छड़िया। बात ये नहीं है। और यहां मैं एक और अर्ज करूं, आप ये ना देखे तादाद किधर है, अक्सरियत की जी, मेजॉरिटी, अथॉरिटी किसने कहा? सारी मेजॉरिटी तो कहती थी या अल्लाह बना ही ना, तो जो अल्लाह अक्सरियत मानता जी साड़ी मुरवजा जमहूरियत, हमारी जो मुरवजा इंप्लीमेंटेड डेमोक्रेसी है, अगर हम ये कुरान के असूलों के तहत देखे, रब के हुक्म के तहत देखे, तो फिर हम तो पैदा ही ना होते। तो बात ये नहीं कि अक्सरियत किधर है, बात ये है हक किधर। सारी अक्सरियत एक तरफ गुमराही पे इकट्ठी हो जाए, और हमेशा से हक की तादाद कम रही है। बदर में अक्सरियत कुफर की तरफ थी, ओहद में अक्सरियत कुफर की तरफ थी, करबला में अक्सरियत कुफर की तरफ थी, आज भी गुनाह की तरफ अक्सरियत है। मसाजिद में तादाद कम है, मगर याद रखना लोगों के सरों को गिन के, उनके वोटों को गिन के, अक्सरियत को देख के फैसला ना करना, फैसला रब के हुक्म के तहत करना, मुस्तफा की शरीयत। हक के साथ खड़ा रहा करो, तादाद ना देखा। तो बरादरान इस्लाम, या अल्लाह ना बना, उधर अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, मगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा, इल्ला इब्लीस, रब ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा अना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूँ। जब उसने कहा मैं बेहतर, जब ज़ुलजलाल ने फरमाया फाखरुज, निकल जा, अब तेरा मेरी बारगाह में कोई मकाम नहीं, तू जलील है, रांदा दरगाह हुआ। साथ अल्लाह ने लानत का तौब भी, हुक्म भी लगा दिया, काफिरी। फरमाया तू काफिर, या अल्लाह ये अकेला इसलिए कुफर का फतवा लगाया, वहां सब ने कहा था ना बनाना, वहां पे कोई फतवा नहीं। मुसलमान याद रखना, बात इनकार की नहीं, बात वजह की है। फरिश्तों का इनकार उनकी कम इल्मी की वजह से था, इसका इनकार अबावस्तकबरा गरूर और तकब्बुर की वजह से था। उन्होंने कहा या अल्लाह ये इनमें से फसादी होंगे, इसने कहा मैं आदम को मानता नहीं, इसने गरूर और तकब्बुर किया। जब वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाता है, जब वजह बदल जाए तो हुक्म है। इसने कहा मैं बेहतर हूं, रब आखे तो अपना मुंह ते वे, कभी गैरे नबी भी नबी से बेहतर हो सकता? अच्छा, अगर कोई अरबी में कहे आना खैरु मिन हो, तो रब कहे वकाना मिनल काफिरी, तो जो उर्दू में लिखे बाज औकात अल्लाह अल्लाह करने से, बात अरबी में करे या उर्दू में करे, जो शरीयत के खिलाफ होगी हुक्म उस पे वही होगा। इसीलिए तो हम अब नहीं कहते, कुरान ने पहले ही कह दिया आला हजरत अपने को लो कुछ नहीं किया। ये क्या कह कहता है मैं इससे बेहतर हूँ, फरमाया तुम्हारी औकात क्या है? अरे याद रखना अल्लाह ने नबियों को सबसे अफजल बनाया, सबसे आला बनाया। फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, कोई जो गैर नबी हो के नबी से किसी गैर नबी को अफजल समझे, नहीं बात को नहीं समझे, जिन्ना चर साढ़े तो परचा ना होवे तुसे गल भी नहीं समझदे, तुसे भी अंदो खोल के बयान करो ते फोर शेड्यूल साढ़े ते लग जांदी। मेरे जुमले याद रखे, जो गैरे नबी को नबी से, बोलो ना यार, जो गैरे नबी को नबी से
अफजल समझे। शैतान ने कोई और जुर्म नहीं किया था, वो ना तो भत्ता लेता था, ना उसकी शराब की भट्टियां थी, ना वो सूद का कारोबार करता था, ना उसके जो है वो टैंकर माफिया था जो पानी लेके आता है। अरे उसने जो जुर्म किया उसने गैर नबी होके नबी से खुद को अफजल जाना। कुरान ने कहा वकाना मिनल काफिरीन, पता चला जो गैर नबी को नबी से अफजल समझे, कुरान कहता है वो कल भी काफिर था, वो आज भी काफिर। जो गैर नबी से नबी को अफजल समझे, नबी सबसे अफजल होता है। नबी सबसे बोलिए सारी कायनात से अफजल जमात किनकी है? अंबिया की। फिर नबियों में से अल्लाह ने नबी चुने। अल्लाह ने एक नबी चुना, दूसरा नबी चुना, एक लाख कई हजार नबी रसूल पैगंबर चुने, फिर सारे नबियों से अफजल, सारे नबियों से आला, सब नबियों का सरदार, सब नबियों का इमाम, मेरे आका इमामुल अंबिया। ए मेरे रब्बुल आलमीन, इसको समझा, इसको बता ताकि ये बात समझ जाए। ता फरमाया नाना ये गुस्ताख है नबी है, अरे इनकी मत मारी जाती है। आज मैं फतवा सख्त रखूंगा ताकि आने वालों को पता चल जाए, नबी की गुस्ताखी करे तो रब का फतवा सख्त रहता है। को समझा बुझा ला, एक मौका दे, फरमाए इस बदबख्त को नहीं देना क्योंकि ये नबी के मुकाबले में आया। तो अभी तो मेरा पहला नबी आया, अभी तो सफीउल्लाह के बाद नजीउल्लाह आएंगे, खलीलुल्लाह आएंगे, कलीमुल्लाह आएंगे, रूहुल्लाह आएंगे, फिर हबीबुल्लाह भी तो आएगा ना, वो जो सब नबियों का सरदार। कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ ना, जो जो मेरे नबी की मोहब्बत में बैठा है मिलके बवाज़े बुलंद करो, कोई तुझसा हुआ ना, हाँ जी कोई तुझसा हुआ ना, शाह तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, लम याती नजी रोकाफी नाजारी, लम याती नजी रोका। इतना करो या मेरे से मिनते ना करवाओ, मिलके मेरे नबी की नात है, फजा गूंजे, पता चल जाए ये नबी के गुलाम अपने आका का जिक्र करते हैं। लाम याती नजीरों का नाजारिम मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जी, मिसले तो ना शुद्ध ना जग राज को ताज तोरे सरसो है, जग राज को ताज सरसो है, तुझ को ही शाहे तो सरा जाना जी, तुझ को ही शाहे तो सरा जाना, हुस्नो अदा। तो सामीने जी वकार अरज कर रहा हूँ, शैतान ने कहा मैं बेहतर, रब ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, तू काफरों में से हो गया। अब इनकार की वजह बदल गई, हुक्म बदल गया, इनकार की वजह बदली तो हुक्म बदल गया। अगर तवज्जो हो तो बात कहूँ, अगर आप इससे चार गुना ज्यादा ऊंची सुभान अल्लाह कहें तो फिर बात कहता हूं। तो सामीने जी वकार, तो जो है
रब ने क्या कहा? वकाना, बोलिए, मिनल काफिरी। कुफर कितने बंदों ने किया था? रब ने कितनों को कहा? नहीं, एक नु नहीं आखे। इंज ना करो यार, मैं भी दो जमातां पढ़ गई। कुफर किया एक ने, रब आख्या नहीं काफिरी, पूरी जमात। या अल्लाह, ये तो काफिर तो एक है, बाकी तो मान। रब ने फरमाया इनकी तो बात ही नहीं करता। या अल्लाह, वो कौन है जो इस फिक्र के होंगे? रब ने पहले दिन ये मामला तय कर दिया, जो इसीलिए फरमाया ना कि ला वला तत्तबियु खुतवात शैतान, इसके पैरवी ना करना, इसके कदमों पे ना चलना। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब याद रखे, शैतान से बचना कैसे है? कुछ तो है अमाल, अगर किसी का अमल शैतानी बन जाए तो वो काबले माफी है। इसका अकीदा शैतान वाला, जो अकीदे में शैतान हो, शकल से मुसलमान हो, उसका जिक्र मैं आगे कर देता। एक बात मेरे ज़हन में आ गई, रब ने कहा उसके पीछे ना चलना। अब शैतान, तुसा कभी देखे शैतान दे पैर हैं? ते जे तुसा देखे ही नहीं, ते तोड़ भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि सिंबॉलिकली बताया कि जो उसके अकायद है ना, उन अकायद से बचो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें उन अकायद में मुब्तला करेगा। अब याद रखें, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ला तादाद बेहदो हिसाब मखलूक के हवाले से हमारे वास्ते अजमतें अता फरमाई, मगर हजरत आदम की चार बुनियादी हैसियतें। कितनी? चार। कौन कौन सी? कुरान कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फरमाया मैंने जमीन में खलीफा बनाया। व अल्लम आदम अस्मा कुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मैंने आदम को आलिम बनाया। तीसरा, अल्लाह ने अल्लाह के नबी है। चौथा, जो नबी होता है वो अल्लाह का वली भी होता है। चार बुनियादी हैसियतें, अजमतें और कई हैं, मगर बड़ी तवज्जो से, अब हम शैतान से बच कैसे सकते हैं? शैतान के चाल से हम किस तरह बच सकते हैं? तो शैतान ने, अल्लाह ने जो अजमतें दी, ये खलीफा हैं, ये वली हैं, ये नबी हैं, ये आलिम हैं। तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने खिलाफत को नहीं माना, शैतान ने नबूवत की ताजीम नहीं की, शैतान ने विलायत का इनकार किया, शैतान ने आलिम की कदर नहीं की। कुरान कहता है वला तत्तबियु खुतवात शैतान, उसके कदमों पे ना चलना। अरे जो वली का दुश्मन हो शैतान होता है, जो खिलाफत का मुनकिर हो वो शैतान होता है, जो आलिम के खिलाफ बकवास करे वो शैतान होता है, जो नबी की ताजीम ना करे वो शैतान। नबी की ताजीम ना करे, समझ लेना ये शैतान है। विलायत को ना माने तो समझ लेना ये शैतान है। आलिम के मुतल्लिक बकवास करे जी, ये कौन है? तुझे पता ही नहीं ये कौन है? ये वो है जो नबूवत के वारिस। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाह, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। वो इबादत गुजार थे, रब ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून। अब आदम को अल्लाह ने आलिम बनाया, पता चला आबिद से इलम का दर्जा अफजल है। इलम का दर्जा यहां क्या होता है? शाह जी मैं मुरीद होने, वो अंदर को बंदा लबो जिदे लंबे लंबे वाल होन, हाथ जालच भी तस्बी होवे, हाथ च भी तस्बी होवे, जुब्बा लम्मा पाया होवे, तो छे कु महीने ना नाता होवे, अंदरे ऐ दरवेश है, इस पीर दी बैत कर लो। अरे वो जाहिल है, वो धोखेबाज है। सबसे पहले देखा करो जिसकी बायत करनी है वो आलिम है कि नहीं है। आबिद से आलिम अफजल है। तो सामीने जी वकार, ये नबियों की ताजीम नहीं करता। और इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने बनाया, फरमाया मैंने जमीन पर खलीफा बनाया। जो खिलाफत का मुनकिर हो वो कौन?
उच्ची बोलो, शैतान मेरे वालदे करीम हजूर ताजदार आफजाबाद खतीबुल इस्लाम पीर से शब्बीर हुसैन शाहबादी रहमतुल्लाह ताला, आपका एक जुमला याद है, फरमाया करते थे जो एक खलीफा को ना माने वो सिंगल काफर, जो दो को ना माने वो डबल काफर, जो तीन को ना माने वो, जो चौं ना माने फरमाया सरो चवल काफर। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नबियों को मानने वाले, नबियों की ताजीम करने वाले, हम वलियों के गुलाम, हम उलमा के कदम को चूमने वाले, हम खुलफाए राशिदीन के भी मानने वाले, जो अल्लाह के बनाए, अल्लाह के बनाए खलीफा को न माने वो कान मिनल काफिरीन, जिसको मेरा नबी मुसल्ला इमामत अता फरमा दे। याद रखना वो भी खुलफा है मुनकर, जिदे दिल दे अंदर है मुनकर, वे जिदे दिल दे अंदर, वे नहीं इश्क सदीक वली ईदा, दुश्मन उमर जरी दा, ओ भी जन्नत कदी ना जासी, जिनू नहीं प्यार उस्मान गनी दा, अली दा। सारे मेरे नाल खो जेड़ा नहीं होबदार, सच्ची पूछो ते मजा नहीं आया, इन जो मौला अली दा ना आवे सुन्नी होवे जेड़ा खिल जांदा है, उच्ची मेरे नाल खो जेड़ा नहीं होबदार, चुकया खोजड़ा नहीं होबदार, अली दा नाम ही हौली नहीं लैना उच्ची लैना मेरे नबी दी सुन्नत है, जेड़ा नहीं होबदार। मौलाना तुसी भी हाथ चुको मेरी हौसला फजाई होवेगी, जेड़ा नहीं होबदार, थले हाथ ना जावे मैं एक एक बंदा वेखांगा सारे दे हाथ, मेरे नबी दी सुन्नत ये है, मेरे नबी ने अपने अली का हाथ पकड़ा, एक लाख कई हजार सहाबा जो मेरे नबी ने अली हैदर करार का हाथ पकड़ के यूं बुलंद किया, बुलंद करके मेरे नबी ने फरमाया मन कुल तुम मौला, मन कुल तुम मौला फाज अली मौला, भाई जिस चीज का मैं मौला उसका अली मौला, पांच मर्तबा हाथ उठा के कह दे मैं कहूंगा नबी मौला, आपने कहना है अली मौला, जिस जिसका नबी मौला उसका अली मौला, हाथ उठा के अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जिसका नबी मौला उसका। मिलके मेरे साथ कहे जेड़ा नहीं हुबदार, ओए जेड़ा नहीं हुबदार, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कोई शख्स का मोह है, हम खुलफाए राशिदीन के गुलाम, हम सारे नबी के सहाबा के मानने वाले, सब मिलके मेरे साथ कहे ओए है मुनकर, ओए जिदे दिल दे अंदर, ओए नहीं इश्क सदीक
ओ नहीं इश्क सदी के साल यसनाई ने इस हुमा पिलगार इस यकूल ले साहिबे ही ला तहजन इन अल्लाह माना ओ जेड़ा ओ नहीं इश्क सदी के वली दा ओ ओ भी जाने ईमान तो खाली ओए जेड़ा जेड़ा दुश्मन उमर ओए जेड़ा दुश्मन उमर जरी ईदा ओए ओ भी जन्नत ओए कदी ना जासी ओए जिनू नहीं प्यार उस्मान गनी ईदा ओए वड्डा मुने करे ओए जेड़ा नहीं होबदार ओ जेड़ा नहीं होबदार कुरान कहता है वकान मिनल काफिरी फरमाया वो काफिर हो गया वो कौन हुआ काफिर हुआ। ब्रदरान इस्लाम बात समझ आ गई। जब जो है वजह बदल जाए तो हुक्म बदल जाता है। पहले फरिश्तों की वजह और थी, उनकी कम इल्मी थी, इधर वजह बुग्ज था, हसद तासुब तकब्बुर घमंड गरूर, और उसने कहा आना खैर। और ये बात याद रखें, लफ्ज आना जो है ना बंदे को बर्बाद कर देता है। ये बंदे की शान नहीं है। हर बंदा जिसको देखा अपने इल्म पे, मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा दौलत वाला, मैं बड़ा ताकत वाला, मैं बड़ी शय, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो मैं करेगा वो अपनी जिल्लत के दिन गिनने शुरू कर दे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूँ, ये मेरे रब की शान है, वो कह सकता है मैं हूँ। हम कौन है? चार किताबें पढ़ ली तो मैं आलिम, दो दिन इक्तदार मिल गया तो मैं दुनिया में बड़ा शह, पैसा आ गया, दौलत आ गई, मैं बड़ी शह। याद रखना ये सदा नहीं रहती। बड़े बड़े दुनिया में दौलतमंद आए, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, सदा न बागी बुलबुल बोलन ते सदा न बाग बहारा, सदा न बागी ओए बुलबुल बोलन ते सदा न बाग बहारा, सदा न बागी ओए बुलबुल बोलन ते सदा न बाग बहारा, ओ सदा न मापे हुस्न जवानी ते सदा न सोबत यारी। चले गए सारे मैं करने वाले, किधर गए? मैं माजल्ला रब, मैं फलानी शाह, मैं बादशाह, वो भी चले गए, हमने भी जाना है। मुसलमान अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहता है तो मैं छोड़ दूं। जिसने मैं कहा वो बर्बाद हुआ, जिसने तू कहा वो ही बाकी रह गया। ये सिर्फ मेरे अल्लाह अल मुतकब्बिर मेरे अल्लाह की जात है, ये मेरे रब की रिदा है। तकब्बर मेरे अल्लाह की रिदा है, चादर है। मेरे नबी को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने नबी को भी अल मुतकब्बिर नहीं बनाया। मेरे नबी भी अल्लाह की बारगाह में झुकने वाले, जिनके कदमों को रब का अरश चूमता है, वो नबी भी रब की बारगाह में इज्जत से, इनकसारी से झुकने वाले, फरियाद करने वाले, अर्जो मारूज करने वाले, गिरिया करने वाले। वो नबी जब मक्का फतह हुआ ना, हजारों के लश्कर के साथ मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए, तो मेरे नबी की हालत ये थी, यहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन जीत जाए तो जनाब वो तमाशे खड़े करते हैं। मेरे नबी अपने जिस शहर से नबी को निकाला गया,
उस शहर में नबी अपने गुलामों के लश्कर के साथ दाखिल हुए। हालत ये थी कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का सर अनवर ऊंट की कोहान से लगा था, क्योंकि ये झुकने वाले हैं रब की बात। तो ताकत मिले, इक्तदार मिले, फतह मिले, इलम मिले, दौलत मिले, तो झुका करो। तो अली मर्तबा सामईन, वजह बदल गई तो हुक्म है बदल गया, वजह बदल गई तो हुक्म है बदल गया। पता ये चला जो मैं आज गुफ्तगु कर रहा हूं कि जब किसी अमल के ना करने की वजह मुख्तलिफ हो तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। नमाज फर्ज है, अगर कोई नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार है, इनकार करे तो काफिर। हज फर्ज है, ना करे तो गुनाहगार, इनकार करे तो काफिर। शैतान मलाइका ने इनकार किया मगर कम इल्मी की वजह से, शैतान का इनकार जो था उसकी वजह और थी, वहां पे हुक्म और था। बात समझ आ गई। अब जो आया करीमा मैंने इब्तदा में आपके सामने तिलावत की, उसको जरा समझ लीजिए। मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ओ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे मुस्तफा के सहाबी, मेरे नबी पे ईमान लेके आए, लेकिन हुआ क्या, पहले मेरे नबी से मुनाजरा करने आए, नबी से गुफ्तगू करने आए। जब मेरे नबी की जियारत की, वद्दुहा चेहरा वल्लैल ज़ुल्फ़ा माज़ा गुल बसर का काजल हामीम के कुंडल अलम नशरा का सीना, जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने चेहरा मुस्तफा को देखा, अपनी बातें भूल गए, मुनाजरा भूल गए, मेरे नबी को देख के फरमाया, ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता, इतना सोना, इतना खूबसूरत, वेखो किड्डा सोना, वेखो किड्डा सोना माही, वेखो किड्डा सोना, सब मिलके मेरे साथ पढ़े, वेखो किड्डा सोना माही, ये वेखो किड्डा सोना माही, ये ओए नाले लाड़ा जन्नतांदा नाले अरशां दराही, ये नाले अरशां सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्दे ही, ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां, सुमदना फतदल्ला फकाना काबतो सैन औदना, ओए नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां, हाले भी फजा नहीं गूंजी, आखो मेरे नाल ओए वेखो किड्डा सोना माही, ए वेखो किड्डा सोना, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ओए वेखो किड्डा सोना, इन्ना अरसलनाका शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा, वेखो किड्डा सोना माही, ए वदाइयन इलल्लाहि बेइज़्निहि व सिराज मुनीरा, वेखो किड्डा सोना, यासीन ताहा हामीम, वेखो किड्डा सोना माही, ए नाले लाड़ा जन्नतां दा नाले अरशां,
امین زیوکار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ میرے نبی کا پڑا اسلام میں آگئے مگر ہوا کیا صاحب کا مذہب یہودی ہے اور یہودی آج بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ان کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے جائز ہے مگر کلمہ نبی کا پڑا ایمان میرے نبی علیہ السلام پہ لے کے آئے کلمے کے بعد بھی صاحب کا مذہب کی وجہ سے جسم کی طبیعت اور کراہت کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے رب ذوالجلال نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ اونٹ کا گوشت ہے بولو تسی بھکھے بیٹھے اونٹ کا گوشت ہے کوئی قربانی صاحب یہ اونٹ ہے جڑے مظفر گڑھ دے نے تم دے اونٹ نے تے اسیں بکرا کھا لینے پورا پورے بھی اونٹ کھان والے ریگستان کے علاقے کے چولستان میں جائیں نا تو ان کو بکرا چھترا کم ہی ملتا ہے وہ اونٹ ہی کھاتے ہمارے ہاں کیونکہ پنجاب کے سینٹرل ایریا میں وہاں پہ اونٹ کم ہے تو سونٹ تے بیچارے ویسے فارمی چوچا بھی لا وجہ گزارا ہو جاندا یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے آج ہی محترم ہمارے جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جو نا وہ فارمی انڈا بھی نہیں کھاتے تو آج کیونکہ میں بھی دیسی کھا کے آیا ایویں نہیں تقریرہ ہوں دیا کئی اسے جائیے نا تو یا شاہ جی کھانا کھاؤ تک کہ ہوندا فارمی چکن شاہ جی کھانا کھاؤ میں کہ مہربانی نہیں کھاؤ جی میں کہ یہ بیچارہ آپ نہیں کھلوندا ساڈے کولوں کیویں تقریر کرائے گا تقریرہ بھی دیسی نال ہی ہوندی ہے تو ہے توجہ عبداللہ بن سلام صاحب کا مذہب کیا تھا یہودی جدائزم کلمہ نبی کا پڑھا یہودی اونٹ کا گوشت آج بھی نہیں کھاتے حرام سمجھتے ہیں ہم اونٹ کے گوشت کو جائز سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے اس صاحب کا مذہب کی وجہ سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اب اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے ساری زندگی بندہ نہ کھائے کوئی فرق نہیں کیونکہ فرض واجب ہے ہی نہیں مگر جب نہ کھانے کی وجہ بدلی پھر حکم بدلا نہ کھائے کوئی ضرورت نہیں فرض ہے ہی نہیں واجب ہے ہی نہیں لیکن جب نہ کھانے کی وجہ بدلی تو شریعت میں حکم ہے بدل گیا آپ کے نہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ صاحب کا مذہب کہ یہودی نہیں کھاتے آپ صاحب کا مذہب کی وجہ سے طبیعت جو تھی وہ اس پہ مائل نہیں ہوتی تھی تو حضرت صاحب پہ اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے مگر عبداللہ بن سلام پہ کھانا لازم ہوا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ عبداللہ بن سلام تم پہ اونٹ کا گوشت کھانا واجب ہے کھاؤ اونٹ کا گوشت اب اسلام کا گوشت سے کیا تعلق نہیں بات کو سمجھے نا اسلام کا کھانے سے کیا تعلق ویسے تو کہنا پانچ رکن اسلام دے تو چھواں بولیا ٹوک جی چھواں نہ ہوئے تو پہلے پنجو جان دے مک روٹی ہے بھی بڑی ضروری ہے بھی تو ایویں نہیں بزرگاں اولیاء نے لنگر چلائے یہ بڑا ضروری ہے تو پھر کسی لیکچر دے دیں گا کہ روٹی کیوں ضروری تو سامعین جی بتا تو جو ہے نا اونٹ کا گوشت کھانا ان پہ لازم ہے اونٹ کا تعلق اسلام سے کیا اسلام سے یہاں یہ تعلق ہے اگر کوئی نہیں کھاتا تو گناہگار نہیں ہے اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں ہے مگر جب نہ کھانے کی وجہ بدلی نا صاحب کا مذہب تو ادخلوا فی السلم کافہ فرمایا اے عبداللہ بن سلام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے اپنی پسند سے کوئی چیز حلال حرام جائز ناجائز نہ کیا کریں یاد رکھنا ہم نے کہا ہم نبی کے میلاد کو ہم بزرگوں کے عرس کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک مستحب ہے کوئی منائے میلاد کا جھنڈا لگائے تو ثواب ہے نہ لگائے تو گناہگار نہیں ہے خطیب اعظم کے عرس پہ آئے تو ثواب ہے اگر نہ آئے تو گناہگار نہیں ہے مگر جب نہ آنے کی وجہ بدل جائے تو شریعت میں حکم بدل جاتا ہے ارے جائز سمجھے
समझे, मुस्तहब समझे, मिलाद हो या उर्स हो तो याद रखना, ना आए तो गुनाहगार नहीं। जब नबी के मिलाद को या बुजुर्गों के उर्स को हराम कहे, शिरक कहे, बिदअत कहे, नाजायज कहे, तो कुरान कहता है उदखुलू फिसिल में काफा। अरे तब तक तेरा इस्लाम मुकम्मल नहीं जब तक बुजुर्गों का उर्स नहीं मना। जी इसका इस्लाम से क्या तल्लुक? मैं क्या तेरे वास्ते हराम समझे तो पूरा मुसलमान ही नहीं, भावे छे मन पक्के दा मौलवी होवे उरस नु हराम आखे तो उदखुलू दाखिल हो इस्लाम में, तेरा जुब्बा देख के इस्लाम नहीं माना जाएगा, तेरे अकायद देख के तेरा इस्लाम माना जाएगा। हाँ, या फिर कोई कुरान की एक आयत पढ़ के दिखाए कि रब ने कहा हो कि विसाल के बाद किसी बुजुर्ग का दिन ना मनाए, उसको याद ना करें, एक कुरान की आयत पढ़े हम छोड़ देंगे, एक नबी का फरमान किसी सहाबी का कौल वो भी हदीस होती है, ताबईन तबा ताबईन में से एक जगह दिखा दो कि जी किसी बुजुर्ग के यौमे विसाल पे उसका जिक्र करना, मिठाई बांटना, लंगर पकाना, लोगों को इकट्ठा करना, दीन की बातें करना, उस बुजुर्ग की खिदमात का जिक्र करना और उसको साले साहब जाना, कुरान में मना नहीं, हदीस में मना नहीं, तो मौलवी तेरे प्योदा दीन है कि जो तू कहे अल्लाह राम, किसी का दीन नहीं, दीन मेरे मुस्तफा पे आया। मौलवी हो, मुफ्ती हो, काजी हो, मुज्तहिद हो, दीन के ताबे है, दीन तेरे प्योदा नहीं, ये याद रखना, सब दीन के ताबे है। कोई एक दलील कुरान और सुन्नत से दो, हम किसी के ये कुछ दीन ऐसा नहीं कि जो अपनी मर्जी से कहे तुसी नहीं मनांदे तो ना मनाओ, तुहाडा बनदा भी नहीं। हां हां, मैं भी अर्ज कर देना, मैं कहा 3 बजे तक ना जनाब, बस मैं बाकी सारा मज़मून छोड़ देना, वरना उदखुलू फी सिल्मे काफा, ये हुक्म मोमिनों को है, काफरन नहीं आएगा उदखुलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, काफर को हुक्म है ईमान में आ, मोमन हुक्म है इस्लाम चा। उसके भी मैंने कुरान करीम से 3 आयात पे निशानी लगा के आया हूँ, लेकिन उनको के वक्त नहीं, बस मैं बिचों कर देना, नाले इको दिन सारी तकरीर कर ली, अगले साल की करनी। तो साहब मीने जिक्र है, तवज्जो तो जो है, आपका उरस बनता भी नहीं, तुहाडियां बरसियां बन गईयां, जिथे नेहरू गांधी की बरसी उथे तुहाडे प्योदे भी बरसी। हमारे तो खत्म होते हैं, ये साले सवाब होता है बुजुर्गों के उरस। शाह जी कहां लिखा है? मैं कह तेरे पास कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, ना कुरान से ना हदीस से कि तू उरस को हराम करार दे सके। शाह जी तुहाडे कोल करन दी है? मैं कह पहली बात तो यह है, हमें करने के लिए दलील की जरूरत नहीं, करने के लिए दलील की। जो भी पूछे ना कि जी दसो किथे लिखे है, किसने कहा, उन्हें आखो जी मैं आख्या, किथे लिखे है, उन्हें आख्या साडे मुकद्दरां च लिखे है। काम कर, जिस चीज के लिए दलील मना के लिए चाहिए करने के लिए, मैं एक मिसाल आपको दे दूं। कुरान कहता है फन के हु मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, तुसी आखो या जी दूजी नहीं समझ भी जांदी, मैं तो गुरमानी साहब उन करनी है 3-3, 4-4। फन के हु मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, 1, 2, 3 डरे बोले हो, और हिम्मत कर लो 4। एक वक्त में कितनी बीवियां? 4। जिन्हें दी एक नहीं, वो उन्हें पता ही कोई नहीं, जिन्हें दी है वो डरे नहीं पे बोल दे 4। अब जिनसे नहीं करना ना, उनका जिक्र कुरान और सुन्नत में आया, भाई हर शख्स जिसको पसंद आए
ज्यादा से ज्यादा एक वक्त में चार निकाह कर सकता है। लेकिन कोई पूछे जी शाहजी मैं फलां बिनते फलां से निकाह करना है, कुरान में दिखाएं, उन्हें को चलिया देखने की जरूरत नहीं। कुरान में हदीस में आया दादी से नहीं करना, नानी से नहीं करना, खाला से नहीं करना, फूफी से नहीं करना, बहन से नहीं करना, भतीजी से नहीं करना, भांजी से नहीं करना, जिनसे मना करना वो बता दिया, बाकी जो पसंद आए। अगर उन रिश्तों में नहीं तो पूछने की जरूरत है। कुरान कहता नमाज कायम करो, बंदा के राती में 12 बजे नमाज पढ़नी है। शाहजी किथे लिखे है नबी ने पढ़ी? मैंने कहा जरूरत नहीं पूछने की। सूरज सर पे हो तो ना पढ़ो, सूरज गरूब हो रहा हो तो ना पढ़ो, सूरज तरू हो रहा हो तो ना पढ़ो, बाकी जब मर्जी पढ़ो, पूछने की जरूरत ही नहीं। दलील चाहिए मना के लिए। अब हमें कहते हैं कि जी उरस कहां लिखा है, और उससे कहो अल्लाह के बंदो हमें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम बताओ रब ने मना कहां कहा। जब अल्लाह ने मना नहीं किया, नबी ने मना नहीं किया, तो फिर अगर ये पूछना शुरू कर दें तो फिर तो पेप्सी भी नहीं पी सकते कि कहां नबी ने पेप्सी पी, नबी ने कोका कोला पी, नबी ने पिज्जा खाया, नबी ने बर्गर खाया, इंज तो काम नहीं चलना। तो मौलवी तो भावे हर शह खा जाए, ओ इना इना चंदा खा जाता पेप्सी तो शह ही को नहीं। मीने जी वकार पूछने की जरूरत है नहीं है, हमें करने के लिए हाँ मना हो तो हम मना हो जाए, जब मना नहीं तो जायज है। बात समझे कि नहीं? वो फर्ज हो सकता है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुबाह है। अब रहेगी बात हम इसको उरस क्यों कहते हैं। आखिरी बात हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके सामने पेश करता हूँ। जब बंदा कब्र में जाएगा तो सवाल कितने होंगे, कौन कौन सा मान रबों का, तेरा अल्लाह कौन, तेरा रब कौन, रब्बी अल्लाह, या अल्लाह तू मेरा अल्लाह, या अल्लाह यहां भी हमें तौफीक दे, कब्र में भी दे, हशर में भी हमें तौफीक। हमारा रब कौन, अल्लाह। कुछ का भगवान होंगे, ला तुजा मना दुबर राम गणेश उनका बेड़ा गर्क। दूसरा सवाल मा दीनों का, इस्लाम। अच्छा तू अल्लाह को भी मानता है, इस्लाम का भी कहता है, बदबخت की कादियानी ना निकल आए, वो भी अंग्रेज नाम भी मुस्लिम। सवाल दो, अब दुनिया में 33 नंबर लवे ते पास, इत 66 लै बैठे हाले नहीं पास होता। गल तेरे ते मुकनी। तीसरा सवाल यू नबी दो आलम की ज़ियारत होगी, मर के पहुंचे हैं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मा कुंता तकूल फी हक हाजर रजुल, बताओ क्या कहा करते थे। ये नहीं कि अब क्या कहते, ना मा कुंता तब क्या कहते, मरने से पहले। अब वो बदबخت जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं उन्होंने उठे लिखकर शुरू जूते पड़ेंगे मुस्तफा के खत्म नबूवत के मुनकरों को। कुछ कहते होंगे ये हमारे जैसा है, कोई इल्म के मुनकर, फजाइल के मुनकर, तो क्या हुक्म होगा जानते हो? हाय अफसोस हम नहीं जान सकते। जब बारी आएगी ना मुस्तफा के गुलामों की, जब बारी आएगी या रसूलुल्लाह कहने वालों की, जब बारी आएगी मिलाद के झंडे लहराने वालों की, जब बारी आएगी ना सदके या रसूल अल्लाह कहने वालों की, हाँ जी मा कुंता तकूलू, तो हम क्या कहेंगे। मुझे अपने वालिद करीम की फिर एक बात याद है, फरमाते हैं सबसे पहले तो मैं आखांगा, हाथ जोड़ांगा, आखांगा जनाब पहले एक मिन्नत करनी, रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश करनी है। हाँ जी शाहजी मा कुंता तकूलू, क्या कहा करते थे। फरमाते हैं मैं पहले अर्ज करूंगा नबी की बारगाह में, हाथ बांध के अर्ज करूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए। पहला सवाल
जब नबी की ज़ियारत होगी क्या कहेंगे? अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, मैं नबी की बारगाह में अर्ज करूंगा, या सैयदी या रसूल अल्लाह, मदीने के ताजदार, सारी जिंदगी तेरी नातें पढ़ता रहा, तेरे चेहरे बदुहा का जिक्र करता रहा, तेरी वल्लैल ज़ुल्फों का बयान करता रहा, तेरे तेरे सदीक का नाम लेता रहा, तेरे उमर के नारे लगाता रहा, तेरे उस्मान से मोहब्बत करता रहा, अली अली हैदर हैदर करता रहा, तेरी नस्ल का गुलाम रहा, तेरी अजवाजे मुतहरात का कमी रहा। या सैयदी या रसूल अल्लाह, मेरी पहली गुजारिश ये है, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए, सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी। सारे सब मिल के कहे, अल्लाह करे हमी में वो घड़ियां नसीब हो जाए, आपका की ज़ियारत हो, हम भी अर्ज करें, वे सारी उम्र गुजार के पाई। जिसका दिल करता है मुझे ये मौका मिले, वो आवाज़ बुलंद कहे, सारी उम्र गुजार के पाई। खतीब आज़म हजरत किबला अल्लामा मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जब मज़ारे पुरनवार में, अरे सलाम आपकी अजमत को, आपने भी यही कहा होगा, या सैयदी या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपके तराने पढ़ता रहा, आपकी अजमत को जह बयान करता रहा, आपके सहाबा आपके अहले बैत का जिक्र करता रहा, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठ जाइए, सारी उम्र गुजार के पाई है, पाई पाई। हाँ जी दसो, सुनियों बताओ, शादी बताओ, खतीब आजम बताओ, मा कुंता तकूल, क्या कहा करते थे, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हमें तो आला हजरत बता गए। फरमाते हैं शादी दसो की आंदे रहो, क्या कहा करते थे, फरमाते हैं मैं तो कहूंगा सरवर कहूं के मालिको मौला। बात में खत्म करने लगा हूं, जिसका ये अकीदा है ना, इसका थोड़ा वॉल्यूम खोले, इसका वॉल्यूम खोले जरा, जिसका ये अकीदा है ना कि आका हमारे कब्र में आएंगे और रहमत फरमाएंगे, और ये तौफीक मांगो हमसे जब पूछा जाए तो हम भी यही कहेंगे, जो कब्र में कहना चाहता है वो यहां उसका ऐलान कर। ऐ सुनियों, खतीब आजम तूरस पे आने वालों, बताओ तुमसे पूछा जाएगा, मा कुंता तकूल, हम क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे, सरवर कहूं के मालिको मौला। दाएं बाएं देखो, जिसको याद नहीं है उसको को बोले, हुए सरवर कहूं के मालिको मौला, सरवर कहूं के मालिको मौला, कहूं तुझे बागे खलील का गुले मैं ज़ेबा, गुले
زیبا اللہ 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 ہر جس میں منور کتاب شیں سامنے رکھو آقا سامنے ہو اللہ ہمیں توفیق دے ہم نبی کے چہرے پر دعا کو دیکھ کے کہیں اے جان جان میں جان تجلا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہان آقا سچ آقا رب دی میں شان آخا جس شان تو شانا سب بنیاں اے جان جان میں جان تجلا یہ کہے گا نا سرور کہوں کہ مالک و مولا کو پھر ملائکہ کہیں گے اچھا تم نے اللہ کی توحید کو بھی مانا تم نے اسلام سچے دین کو بھی مانا اور اپنے آقا کی زیارت بھی کی اور پہچان کی توفیق بھی ملی اب پھر فرشتے کہیں گے نم سو جا نم 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 سو جا سو جا کیویں جویں مزدور جیڑا وہ فٹ پاتھ تے پیا ہوندا ہے نا نم سو جا کیسے نم کنومت العروس ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے یہ ہے عروس ہن پتہ لگا عرس کیوں دین جڑے ستے ہونا ان کے عرس ہوتے ہیں جنہاں نو لتر پہن ہونا دے عرس نہیں ہوندے نم کنومت العروس ایسے جیسے دلہن سوتی ہے ایک گل اجازت ہے دو منٹ جناب بس گل یاد آ گئی تو پھر میں کر دوں گا حضور والد کریم رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ ہماری بیگم ہے بیگم کا پتہ ہے نا یہ بیگم لفظ نہیں ہے کیونکہ فارسی میں تو گاف ہوتی نہیں یہ لفظ ہے بیگم کیا ہے بے غم او بے غم ہندی ہے سارے غم سانو ہی ہندے وہ کیا ہے کیوں جب باپ کے گھر ہے باپ ذمہ دار بھائی کے گھر ہو تو جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ بے غم ہو جاتا ہے بے غم کیوں اس لیے وہ کھائے گی کہاں سے رہے گی کہاں پہ اس کی عزت کا اس کے مینٹیننس یہ کس کے ذمہ ہے مرد کے ذمہ ہے نا الرجال قوامون علی النساء اب اگر میں مرد و زن کے حقوق و فرائض کی خدمات وہ بات لمبی ہو جائے گی میں صرف ایک اس حوالے سے بات کروں گا وہ ہے بے غم کیوں کہاں رہنا ہے یہ اس کا غم ہی نہیں ہے کھائے گی کہاں سے یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے پہنے گی کہاں سے بھئی جس کے ساتھ جس کو مالک مان کے آئی ہے نا ذمہ دار وہ ہے رکھے گا کہاں کھلائے گا کہاں وہ نکاح نہیں کیتا یہ تیرے ذمہ ہے مینٹیننس نان و نفقہ تو ہے ذمہ دار اس کی عزت کا اس کے کھانے کا اس کے لباس کا اس کی ضروریات کا کیونکہ یہ تیرے گھر میں ہے اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تم نے کہا میں نے اس کو قبول کیا اس نے تجھے مالک مانا اب اس کا ذمہ تیرا ہے سارے غم اس کے اب تو ذمہ دار ہے ارے جب کہا نا نم کنومت العروس جیسے دلہن سوتی ہے مطلب یہ ہے تم نے آج مالک کو ما کنت تقول تم نے مالک کو پہچان لیا اب تجھے فکر کی ضرورت نہیں قبر جانے حشر جانے تیرا مالک مصطفیٰ جا
ये जब कलमा नबी का पढ़ा ना, बीबी कलमा पढ़े तो बेगम में, तो जो उम्मत कलमा मुस्तफा दा पढ़े। सरवर कहूं के मालिक कहूं, एवं नहीं आला हजरत लिख दिया मालिक कहूं। कबर में हम अपने मालिक का ऐलान करते हैं, उन्हें अहले सुन्नत तुझे फिक्र की जरूरत नहीं, बेगम होके सो जा, अब कबर जाने और नबी जाने, ओए साडा राखा कमली वाला है, साडा राखा कमली जिदा मालिक मेरा नबी है, आवाज़े बुलंद मेरे साथ कहें, ओए साडा राखा कमली वाला है, साडा राखा कमली वाला है, सानू कौन मिटा वन वाला है, असा यो सिमाही, ओए असा ओ सिमाही नल लाल लिए, से ओ मदनी मंथार मदीने के ताजदार, आमिना के लाल अबू बकर के यार, ओ जो उस्मान ओ अली उमर के आका, ओ हसनैन के नाना सहरा के बाबा, असायो से माही नल लाल लिए, असायो से माही नल लाल लिए, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है, चौधरी होवे सरदार हो लीडर हो सियासतदान हो, वो तुझे कबर में आएगा, शायद कबर में नहीं पता नहीं, कबर पे मिट्टी भी डाले या ना डाले, तेरे जनाजे में आए जाना है, कलमा तूने नबी का पढ़ा, तेरा नबी कबर में भी तेरे साथ, हशर में भी तेरे साथ, ओए साडा राखा हमारा मालिक मदीने का ताजदार है, हमारी जान का, हमारे माल का, हमारी हर चीज का मालिक अल्लाह ने नबी को बनाया, जिसने मालिक नबी को मान लिया उसके उरस होते हैं, जिसने नबी के दर से गद्दारी की उसकी बरसियां होती हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात भी आपने खिताब सुना और अभी भी दुआ है अल्लाह करीम इनके ज़रिए अपनी मखलूक को कसीर नफ़ा पहुँचाए और इन्हें मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात का सही तर्जमान रखे। दो तीन बातें फिर हमने नमाज पढ़नी है। दो करार दादें फिर पेश कर रहा हूं। ये इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान के हर फर्द, वो किसी इदारे का हो, अदलिया हो, फौज हो, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो या इंतज़ामिया हो, ये इज्तिमा मुतालबा करता है आप सब दीन में मुदाखलत से बाज रहें। दीन में मुदाखलत की आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं। आप दीन में दखल देंगे तो हम आपको यही कहेंगे कि अल्लाह आपको हकूमत से बेदखल कर दे, एक बात। दूसरी बात ये, दीन की सच्ची बात करें तो पाबंदी लगाई जाती है, फेसबुक के पेजेस पे स्ट्राइक लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं, फहश या फोहश जो भी आप कहें
वीडियो चलाई जाएं, इस्लाम के खिलाफ बातें की जाएं, कादियानियों की सरगर्मियां, उन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाह। हम यही कहेंगे कि अगर पाकिस्तान में शरीयत और सुन्नत के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, हुकूमत उसको रोके। अगर नहीं रोकेगी तो वो आवाम को मौका देती है कि वो कानून हाथ में लें। फिर उस पर आप लोग कहते हैं कि लोग मुहज़ब नहीं हैं। मुहज़ब दुनिया को भी आप देख चुके हैं, अमेरिका फ्रांस के मुजाहरे भी आप देख चुके हैं। हम दीन के मामले में जज्बाती हैं और दीन के मामले में हम किसी के जज्बात पे कंट्रोल नहीं चाहते, हम दीन के मामले में जुर्रत चाहते हैं। तो गवर्नमेंट तमाम फोहश वेबसाइट्स को, गलत कवानीन को, गलत सरगर्मियों को फौरन रोके और मीडिया का किबला दुरुस्त करे। मीडिया का किबला, हाँ जी, हमें दीन के खिलाफ ड्रामे नहीं चाहिए, हमें इस्लाम के खिलाफ ड्रामे नहीं चाहिए। हम अपनी औरतों बच्चों को बेरा रवि नहीं सिखाना चाहते, दीन सिखाना चाहते, समझ आई? तो ये हमारे मुतालबात आप तायीद करते हैं, बड़ी मेहरबानी। अगली बात, हज़रत ख़तीब आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब ख़त्म नबूवत के बारे में, वो ज़िला मंडकुमरी अब जो साहिवाल है उसके डिक्टेटर थे, पुलिस ने कैद करना चाहा। आपने कहा मैं दो हफ्ते कैद नहीं होऊंगा, मैंने काम करना है। दो हफ्ते के बाद गिरफ्तारी दी। खुद मजिस्ट्रेट असगर अली का बयान रिकॉर्ड पर है कि ये वो शख्स है जिसने खून का एक कतरा नहीं बहने दिया, नबी की इज्जत की बात की लेकिन हरगिज कोई हंगामा नहीं हो। एक हफ्ते में मेरे दो बड़े भाई इंतकाल कर गए, वाले साहब जेल में थे, मुनीर अहमद और तनवीर अहमद नाम था, एक सवा तीन साल का था, एक पौने तीन साल का, एक सवा साल का, पहली दो औलादें। एक ही हफ्ते में दोनों यके बाद दीगरे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर आया, वाले साहब को बुलाया, आपके दो बेटे इंतकाल कर गए, आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, आप मुआफ़ी नामे पे दस्तखत कर दें, आपका मुआफ़ी नामा लोगों से पोशीदा रखा जाएगा, मैं आपको रिहा कर दूंगा। वाले साहब मुस्कुराए, कहने लगे क्या अल्लाह से भी छुपा लोगे? लोगों की निगाहों से कह रहे हो क्या अल्लाह से भी छुपा लोगे? बेटे चले गए, मेरी जान भी चली जाएगी, मैं माफी नामे पे दस्तखत नहीं करूंगा। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, हलफ उठवा लो मुझसे, देवबंदी वहाबी मुल्ला माफी नामे पे दस्तखत करके रिहा हुए, नाम याद है मुझे। आज वो कहते हैं ख़त्म नबूवत के मुहाफिज, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वाले साहब को दफ़ा तीन में नज़र बंद कर दिया गया, मुलाकात पर भी पाबंदी, कोई नहीं मिल सकता। 10 महीने जेल में रहे, 10 महीने जेल काट के भी आए तो वही बात की जो नबी की इज्जत की बात थी। 16 अक्टूबर 1962 को खड्डा मार्केट लियारी के इलाके में जलसे के दौरान वाले साहब को खंजर मारे गए। ये जवान आया है उकाड़े से, इसने आके हमारी मेहनतें बर्बाद कर दी हैं, 4 साल में इसने कराची का नक्शा बदल दिया, गली गली मिलाद होने लग गया है। दौरान जलसा 5 आदमी आए जिनमें से एक अभी जिंदा है। 5 आदमी आए, उस जमाने में ये असला ज़्यादा नहीं होता था, खंजर लेके आए। आते ही उन्होंने जो किया, लोग भागने लग गए, वाले साहब कह रहे हैं बैठो, बाएं यहाँ कंधे में पूरा खंजर उतार दिया, दस्ते तक
मैंने वो जख्म अपनी आंखों से देखे हुए याद है मुझे। वाले साहब आगे हुए, तकरीर जारी है, लोगों को कह रहे हैं बैठो, खंजर चुप चुका है, कमर में खंजर दाएं बाएं 13 इंच चलाया, दिल की रगें कट जाएं, तकरीर जारी है। तीसरी शह रख काटी निशान, जो वाले साहब को करीब से देखते थे उन्होंने निशान देखा होगा, 9 इंच का जख्म यहां कान के पीछे शहरक काटने के लिए, तकरीर जारी है। हमने बाद में पूछा आपको तकलीफ नहीं हुई इतने खंजर लगे, तो आयत कुरान की पढ़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा हाथ कट रहे हैं पता भी नहीं चला, वो तो जलवों में गुम थे, थोड़ी सी तकलीफ हुई तो क्या है, लोगों ने कहा मौलाना आपको खंजर मारे जा रहे हैं, आपका खून है। उन्होंने जब देखा लाइट बंद कर दी, वाले साहब को उठा के स्टेज से नीचे फेंका, 3 जख्म सर में आए। ये सारी बात आपने सुन ली, छोटा सा जख्म लग जाए, रग कट जाए, जान खतरे में, 2.5 घंटे के बाद अस्पताल पहुंचे। जब ये वाकया हुआ, उस ज़माने में टैक्सियाँ बहुत कम, बग्गी में जिसको आप घोड़ा गाड़ी कहते हैं उसमें लेके सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर कह रहे थे ये शख्स जिंदा कैसे, 2.5 महीने इलाज हुआ, कितना अरसा, 2.5। दादी जान ने कहा बेटा वापस उकाड़ा चलो, कराची वालों को नहीं पसंद है हम उकाड़ा चले जाते हैं, वाले साहब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहा मैं माँ हूं, कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले, हुजूर ने फरमाया तेरा कोई बाल बीका नहीं कर सकेगा, मैं तेरे साथ हूं। वाले साहब अस्पताल से आए, गुलाम हैदर जिंदा नहीं है, होते तो आपको बताते। वाले साहब ने उनको बुला के कहा मैंने पहली तकरीर उसी जगह करनी है जहां मुझ पे ये जख्म लगाए गए हैं। बुलाया, उनसे कहा जलसा रखो, वहीं स्टेज लगाना है, और उसके बाद हर साल वहां पर उसी जगह स्टेज लगा के खिताब करते रहे। दूसरी मर्तबा रसूल पाक की ज़ियारत हुई, उंगलियों से जुल्फ़ें ठीक की, नबी पाक को बेतहाशा चूमा, उलमा ने ताबीर दी कि आप लोगों के अकीदों की इस्लाह करेंगे। जाते हुए वाले साहब, क्योंकि नबी का फरमान है मर्रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक्दा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे जागते हुए ज़रूर देखेगा। आखिरी वक्त था वाले साहब का, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, अचानक उन्होंने अपनी टांगें समेट ली जैसे अदब की वजह से, और झुके जितना झुक सकते थे, हालांकि वो सारी नसें उनकी वो लगी हुई थी ड्रिप्स, मैं करीब था तो सुना बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ये अल्फाज 3 मरतबा कहे, और फिर जो वो बोलते रहे वो अल्फाज साफ नहीं थे। उसके बाद उनको बिल्कुल सुकून हो गया, टांगें सीधी कर दी, मुझे यकीन है वो नबी को देख रहे थे। आखिरी वक्त में हुजूर आए थे ईमान भी बचाने साथ ले जाने के लिए, आखिरी आवाज़ मैंने आपको बताया उनके कानों में पहली आवाज़ दुरूदो सलाम की थी, आखिरी आवाज़ जो उनके मुंह से निकली वो भी दुरूदो सलाम की थी। अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। सुन्नियत के लिए वक्त आया है, आज सुन्नियों को तोड़ा जा रहा है, आपने साबित करना है हम सुन्नी हैं, रहेंगे सुन्नियत पे, मरेंगे इंशाल्लाह सुन्नी उठेंगे, ये पैगाम याद रखना है, इसको भूलना। इलेक्शन आ रहा है, हालांकि फैसले तो उन्होंने करने हैं जो उन्होंने करने हैं, मगर आपका वोट किसी बदअकीदा को ना जाए जो सुन्नी है, और सुन्नी सुन्नी के मुकाबले पे खड़े हो रहे हैं, ये हमारी तंजीमी कमज़ोरियाँ, भाई भाई के मुकाबले पे खड़े हो रहे हैं, क्या हो गया, दुनिया सब कुछ हो गई, अगर नबी के नाम की लाज होती तो कहते सब कुछ कुर्बान। अल्लाह तौफीक दे फर्दन फर्दन तमाम हजरात का शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सुन्नतें पढ़ेंगे, जुमा होगा, जुमे के बाद ख़त्म गौसिया, फिर दुआ, उसके बाद लंगर होगा। हमसे कोई कोताही हुई हो किसी तरह, किसी शख्स को मामूली सी भी तकलीफ़ पहुंची हो, मैं हाथ बांध के आपसे माफ़ी चाहता हूं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबका शुक्रिया, सुन्नतें पढ़ लीजिए।